स्वामी जी, ड्यूअलिटी इस दुनिया का मूल है। ड्यूअलिटी हुई जब ये दुनिया बनी, नर नारी, दिन रात, और उसके बाद में सुख दुख है और अनुकूल प्रतिकूल, ऐसी सारी ड्यूअलिटी से ही दुनिया बनती है। तो उसी तरीके से जो हमारा वेदांत है, हमारा उपनिषद है, वह भी कोई ड्यूअलिटी की बात करके फिर जो है वह ड्यूअलिटी को त्यागने की बात करते, यानी द्वैत से अद्वैत बनने की बात कही जाती है कि ड्यूअलिटी तो दुनिया में है, द्वैत जो है जड़ और चेतन ड्यूअलिटी है जिसके कि आप बने हुए हो और वो हमेशा से चली आ रही है। लेकिन आपका लक्ष्य ये होना चाहिए कि ड्यूअलिटी रहते हुए भी आप ऐसी प्रक्रिया, ऐसा साधन अपनाओ कि जो है द्वैत से अद्वैत हो जाओ। जैसे हम ब्रह्मास्मि, द्वैत में रहते हुए आप चिंतन करो कि मैं ब्रह्म हूँ और ब्रह्म ही जो है वो ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या, उस माया को, उस प्रकृति को मिथ्या समझो, उस ब्रह्म को ही सत्य समझो। और वो जीव को अंश मानते हैं, और जब जीव को ब्रह्म का अनुभव हो जाता है, उसमें विलीन हो जाता है, तो मुक्ति हो जाती है वेदांत के हिसाब से। तो द्वैत और अद्वैत की जो बात है उसको आप अपने अध्यात्म विज्ञान से जोड़ करके तुलनात्मक दृष्टि से बताइए कि किस तरीके से ये इनका समायोजन है। धन्यवाद प्रश्न के लिए। द्वैत और अद्वैत, ये दुनिया जो है जो पांचे इंद्रियों से दिखती है और अनुभव में आती है वो द्वैत है। द्वैत का मतलब होता है रिलेटिव सत्य, द्वैत का मतलब होता है टेम्पररी ट्रूथ, द्वैत का मतलब होता है जन्म और मृत्यु, द्वैत का मतलब होता है बिगिनिंग और एंड, द्वैत का मतलब होता है अलग अलग प्रकार की रिलेटिव टेम्पररी अनुभूति करना, वो द्वैत है। ये पांचों इंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो द्वैत है, वो अद्वैत नहीं है, वो जड़ है, चेतन नहीं है, मगर अद्वैत है, वो चेतन है, अविनाशी है, और वो मैं खुद हूं। तो दुनिया में जो दिखता है वो द्वैत दिखता है, और अंदर जो जीव है इसीलिए वहां अद्वैत है। मगर क्योंकि ये पांच इंद्रियों के ज्ञान से जो दुनिया दिखती है उसी को ही मैं अज्ञानता से सत्य मानता हूँ, और उसी के आधार से मैं अपना जीवन बनाना चाहता हूँ, तो वो तो द्वैत ही बनेगा, अद्वैत कैसे बनेगा? आपकी दृष्टि में जब रिलेटिव सत्य ही इम्पोर्टेंट है, रिलेटिव सत्य का मतलब ही है द्वैत, वो उसी का इम्पोर्टेंट है, तो आपके कॉज भी द्वैत के ऊपर बनेंगे और इसके इफेक्ट भी द्वैत के ऊपर आएंगे। तो ये मुक्ति का मार्ग नहीं है, मगर ये संसार चलाने का मार्ग है जिसमें पाप पुण्य आ जाता है, धर्म संस्कृति सब आ जाती है। अद्वैत का मतलब होता है मैं चेतन हूँ, अविनाशी हूँ और आत्मा हूँ। मगर ये बात जरूर ध्यान में रखो कि आत्मा इस ब्रह्मांड में कोई भी जगह अकेला नहीं हो सकता है, उनको बॉडी चाहिए, बिना बॉडी ये यूनिवर्स में सोल हो ही नहीं सकता। अगर सोल अकेला होगा तो सिर्फ सिद्ध क्षेत्र में बियॉन्ड दिस 14 राजलोक, इसके बाहर ही आत्मा अकेला हो सकता है, जिसको कहते सिद्ध क्षेत्र, जहाँ प्योर सोल के अलावा कोई रिलेटिव अवस्था नहीं है, द्वैत नहीं है। तो इसको भी समझना पड़ेगा, इसको भी समझना पड़ेगा। हम जब व्यक्ति व्यक्ति के रूप में पैदा हुए तो देह आत्मा दोनों ही रहेगा, अकेला देह भी नहीं रहेगा, अकेला आत्मा भी नहीं रहेगा। अगर आत्मा नहीं है तो जीवन भी नहीं है, आत्मा नहीं है तो कर्म भी नहीं है, और आत्मा नहीं है जन्म मरण भी नहीं है। तो कहने का मतलब होता है
द्वैत और अद्वैत ये दोनों समझना पड़ेगा। और अनुभव अनुभवी ज्ञानी पुरुष द्वैताद्वैत होता है, व्यवहार से रिलेटिव सत्य को स्वीकार करता है और निश्चय से सनातन सत्य को स्वीकार करता है। तो दृष्टि में होता है सनातन सत्य अद्वैत, और व्यवहार में होता है इंद्रिय ज्ञान में होता है रिलेटिव सत्य। ये दोनों को साथ लेके जीता है, मगर दोनों के बीच लाइन ऑफ डिमार्केशन रखता है कि जो व्यवहार सत्य है वो उदय कर्म के अधीन है, कुदरत के अधीन है, और जो सनातन सत्य है वो मैं खुद हूँ, मैं ही चेतन हूँ, मैं ही अविनाशी हूँ, मैं ही सर्वशक्ति का मालिक हूँ, सर्व अविनाशी शक्ति का, शाश्वत शक्ति का मालिक हूँ। तो यानी कुल मिला के यही बात को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो द्वैत अद्वैत और द्वैताद्वैत ये तीन प्रकार की अवस्था है। द्वैताद्वैत वो अनुभवी पुरुष की अवस्था है, द्वैत अद्वैत दोनों को स्वीकारता है, अज्ञानी सिर्फ अद्वैत को स्वीकारता है और केवल ज्ञानी सिर्फ द्वैत को स्वीकारता है। आइए हम सब बातों को सिद्धांत से समझने की कोशिश करें और समय की मर्यादा पे आगे के अंदर भी एपिसोड में हम ये बात सुनते रहेंगे।